सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नंबर वन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयपाल, आपके लिए जियो फोन के बारे में लेकर आया हूं बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करें जियो फोन के अंदर iOS एप दोस्तों कैसे चले जियो फोन के अंदर या फिर प्ले या फिर ओपन कैसे करें। तो दोस्तों आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने लास्ट है। दोस्तों मैंने इसको अमिनी एस टी फाइल से दोस्तों मैंने इसको एक बार ले लिया, यानी इसको इंस्टॉल कर रखा है कायोस ऐप को, और उस ऐप से आप कितने भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ओपन करता हूँ, ये रहा कायोस प्लस ऐप, और यहाँ पर जेजी हॉटस्पॉट भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसको ओपन करते हैं कायोस प्लस ऐप को, तो मैंने उसको ओपन किया दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, लाइक करोगे मेरे को पता था दोस्तों वीडियो पसंद आया, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था दोस्तों मेरे सभी को नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको सबसे पहले देख पाएंगे। अब देखो इंटरनेट मल्टीमीडिया यानी अलग अलग दोस्तों अलग अलग पार्ट के साथ अवेलेबल या फिर बंटे हुए होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कायोस इंटरनेट, यहाँ पे बहुत सारे ऐप दोस्तों, बात छोड़ देते हैं दोस्तों पर, लेकिन इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं, इसको हम काटेंगे इससे कट जाएगा। दोबारा ओपन करता हूँ आपके सामने कायोस दोस्तों ऐप है, जियो फोन में हम चला सकते हैं। मैं चलाता हूँ दोस्तों इसको, मैंने ओमिनी एस डी फाइल से किया था दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है कि आप ओमिनी एस डी फाइल कैसे करें बिना कंप्यूटर। या दोस्तों आपके पास बहुत से दोस्तों ऐसे है कि जिनके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर कौन सा भी पीसी भी या फिर नहीं है, दोस्तों उनके लिए क्या दोस्तों, मैं उनके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ बिना कंप्यूटर। हम इसके अंदर आपको करके बताएंगे ओमिनी एस डी फाइल, यानी दोस्तों लगभग दोस्तों 2-4% के अंदर कंप्यूटर होता है, लेकिन सभी जियो यूज फोन यूजर्स के पास नहीं होता है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तो इसलिए दोस्तों हम बिना कंप्यूटर या बिना लैपटॉप के लिए दोस्तों आपके सामने ओमिनियस डी फाइल को इंस्टॉल करेंगे। अब दोस्तों मैं बताता हूँ आपको इसके अंदर इंटरनेट, यानी पहले हम इंटरनेट पर चलते हैं, ये थोड़ा लोडिंग लेता है। यहाँ पे bing.gb इसको मैंने प्रेस किया, ब्राउज लाइट इसको हम इंस्टॉल करते हैं, तो इस पर मैंने प्रेस किया। तो अब दोस्तों अब डुग डुग इंस्टॉल कर रखा है, यहाँ पे इसको करते हैं इंस्टॉल, या इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से। ऊपर देख सकते हैं ऐप का नाम है कि ऐप इंस्टॉलर फायर SMS, इसको करते हैं इंस्टॉल, ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने पहले से। और ये जीट अब दोस्तों इस ऐप को मैंने इंस्टॉल किया है, जीमेल तो पहले से कर ही रखा है। देखो यहाँ से आप मन पसंद ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इस पर मैंने प्रेस किया, रेकअप और आउटलुक को यानी कंप्यूटर या लैपटॉप होता है। देखो मैं कितने सारे ऐप आपके सामने इंस्टॉल करता हूँ, जो आपको दोस्तों जियो स्टोर के अंदर बहुत कम ऐप मिलते हैं दोस्तों, ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से दोस्तों। मैं इसको चला के बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। फोटो एडिटर का भी ऐप इसके अंदर है, देखते हैं इंस्टॉल होता है फिर नहीं, तो है इंस्टॉल पहले से कर रखे दोस्तों इसलिए नहीं हो रहा है। और दूसरा ऐप इसको भी इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल हो गया ऊपर से देख सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे ऐप दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, यानी यहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप भी रहता है, यहाँ पे गेम्स रहते हैं अवेलेबल, इसको करते हैं इंस्टॉल। ये मैंने पहले से कर रखा है इंस्टॉल, तो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, यानी दो बार इंस्टॉल नहीं होते दोस्तों कभी भी। अब ये इंस्टॉल रोलर मेजर या कोई ऐप है यानी गेम है, तो इसको बेक आते हैं। यहाँ पे देख लो आउटलुक हुआ, ये रहा आउटलुक, और ये इसको ओपन करते हैं आउटलुक को, कैसा इंटरफेस आता है इसके अंदर दोस्तों। ये ओपन हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते दोस्तों, ओपन हो रहा था इसलिए मैंने काट दिया। और यहाँ पर आपको और भी ऐप बताने हैं कैसे कैसे चलाए जाते हैं। यहाँ पे क्यू आर कोड स्कैनर और सिमिलर, ये रहा गेम वाला ऐप, इसको हम ओपन करते हैं दोस्तों। उस स्टोर से आप कितने भी ऐप दोस्तों इंस्टॉल या फिर अपने मोबाइल के अंदर ले सकते हैं, यानी जो जियो स्टोर के अंदर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं लगभग 236 ऐप आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। अब दोस्तों आपके पास कंप्यूटर नहीं दोस्तों उनके, दोस्तों मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कर लेने वाला हूँ। देखो यहाँ पे गेम चलता है बिल्कुल कंप्यूटर का है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे गेम चला जाता है हिडन की, कितना मस्त दोस्तों ये गेंद चल रही है, ये देख सकते हैं। चलो इसको बेक आते हैं दोस्तों, और दोस्तों सब कुछ ऐप दोस्तों चलते हैं इसके अंदर। देखो फाइल मैनेजर का भी ऐप है, मैंने इसको भी इंस्टॉल कर रखा है, इसको आपको ओपन करके बता दें दोस्तों, आपको विश्वास हो जाएगा कि फाइल मैनेजर जो फोन 2-4 2-3 फाइलें
मैंने इसे कहा वो भी चलता है। देखो यहाँ पे डी सी एम डाउनलोड फोल्डर है, ब्लूटूथ और ब्राउज लाइट ओपन एज टेक्स्ट इमेज मैजिक है। ये दोस्तों यहाँ पे आता है वीडियोज, वीडियो साथ ओपन करोगे या फिर किसके साथ आप ओपन करोगे। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 78 आइटम है इसके अंदर, इस ऐप के अंदर, यानी ये फाइल मैनेजर लोडिंग ले रहा है दोबारा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और एक यह फाइल मैनेजर है, एक यह फाइल मैनेजर, इसको भी ओपन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने ओमिनी एसडी फाइल इंस्टॉल किया है या फिर नहीं किया है आपने। दोस्तों मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूँ बिना कंप्यूटर आपके लिए। ओमिनी एसडी फाइल इसके अंदर डालेंगे हम, और इसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, यानी यह इसके अंदर 5 मिनट आम कम भी है। और इसको देख लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड पाथ किसके कलाकार का है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाता ही जाता है। तो इसको बेक के लिया, और अब दूसरा ये बताता हूँ यहाँ पे। देखो JB हॉटस्पॉट और जीमेल ऐप, इसको भी ओपन कर सकते हैं। जीमेल वॉइस, गूगल ड्राइव, गूगल ट्रांसलेट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इसके अंदर आपको ओमिनी एसडी जियो फोटो एडिटर का ऐप है। और मेन बात दोस्तों इसके अंदर यह ओमिनी एसडी फाइल को लाना, यानी इससे दोस्तों सभी फाइल है जो दोस्तों डाली जाती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हम इसको कैसे लाएं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। यहाँ से आप जितने भी ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने हॉटस्पॉट का ऐप दोस्तों, ये हॉटस्पॉट का ऐप है। और दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जियो की कंपनी तरफ से दोस्तों जो भी अपडेट आते हैं दोस्तों वो तो आते ही रहेंगे रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे। देखो जियो स्टोर ओपन हो रहा है, लोडिंग ले रहा है, अपडेट इंस्टॉलिंग सब कुछ इसके अंदर दिखा देगा आपको। जिन पे अपडेट होगा अपडेट दिखा देगा, और इंस्टॉल होगा वो इंस्टॉलिंग दिखा देगा, और लाइव सॉफ्टवेयर दोस्तों वो भी आता ही रहेगा। इससे दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि ओडेटा भी इसके अंदर हैक नहीं दोस्तों। नई ट्रिक्स आपके लिए, अब मैंने इसको किया है और आपको भी करना सिखाऊंगा इसके अंदर कैसे कैसे किया जाता है। यहाँ पे देखो जितने भी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं जो जियो स्टोर में आपके पास रहते हैं, यानी इससे कायोस नहीं है, बहुत ही कमाल का ऐप है। इससे आप कर सकते हैं मनचाही गेम, ऐप, सोशल, कौन से मल्टीमीडिया यूटिल्स और जो भी आपके मन में आए वो आप इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, वो आप कर सकते हैं। न्यूज़ के भी होते हैं इसके अंदर, ट्रेवल एंड वेदर का भी रहते हैं। वीवो टेनो इसको इंस्टॉल किया है हमने, येरा ऐप। ये थोड़ा लोडिंग नहीं रहा है। और दोस्तों आपने यदि नहीं किया दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने नहीं किया, क्योंकि ताकि दोस्तों मेरे को पता चले दोस्तों कि अभी तक नहीं किया हुआ है मोबाइल को रूट, या फिर इसके अंदर नहीं किया इसमें उन्होंने। यहाँ पे न्यूज़, मेट्रो, इन्फो अवेलेबल्स रहती हैं, इस 3 डॉट पे क्या देखती हैं। होम, न्यूज़, मेट्रो, यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे वर्जन लाइटर कितनी है इसकी, दोस्तों आपको जियो फोन के अंदर ओमिनी एसडी फाइल से बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने यदि नहीं किए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करोगे मेरे को पता चलेगा दोस्त है वो भी तो इसके अंदर करना चाहते हैं ओमनी एसडी फाइल को। दोस्तों मैं आपके लिए जल्दी से ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना पीसी, आपके लिए जियो फोन में ओमनी एसडी फाइल को लाना, यानी किस तरह को लाया जाता है बिना कंप्यूटर। तो दोस्तों नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना अपनी राय क्या है वो देना, तो ताकि दोस्तों मेरे को पता चलता है दोस्तों को वीडियो दोस्तों पसंद आए, और दोस्तों वो भी अपने मोबाइल के अंदर या फिर जियो फोन के अंदर करना चाहते हैं। मैं इसको अनस्टॉल कर रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।